वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मेरा नाम ऋषभ है और मैं हनोई वियतनाम से हूँ। मैं पिछले 4 साल से हनोई वियतनाम में एज ए योगा टीचर जॉब करता हूँ। मेरे यूट्यूब पे कई सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं कि भाई हम वियतनाम आ जाएं क्या, क्या वियतनाम खुल चुका है, वियतनाम सेफ है टूरिज्म के लिए, क्या हम वहाँ पे आ सकते हैं बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पर कमेंट में पूछे जा रहे हैं वियतनाम के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब बातों के जवाब दूंगा, इन सब सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि ये मेरा चैनल ग्रो हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, पहला जो सवाल आया था वो था कि क्या वियतनाम में कोविड है। जी हाँ, वियतनाम में अभी कोविड है और सडनली कुछ ही दिनों में 29 शहरों में ये कोविड बहुत तेज़ी से फैल गया है। अभी रुक गया था बीच में, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैं कई जगह घूम भी रहा हूँ और जो है रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं, सारी शॉप्स खुल चुके हैं, अब एकदम बंद तो कर नहीं सकते, लेकिन कोविड दोबारा यहाँ पर दस्तक दे चुका है, 29 शहरों में फैल चुका है। मेरे हनोई सिटी के अंदर ही अभी कुछ दिन पहले 2 या 3 थे और सडनली वे 31 हो गए हैं। तो एकदम जो है कोविड फैल चुका है दोबारा, अभी सेफ नहीं है। दूसरा सवाल है, जिनके वैक्सीन लगी है क्या वे आ सकते हैं। जी हाँ, वे आ सकते हैं। वियतनाम गवर्नमेंट ने 19 वैक्सीन पासपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम 72 कंट्रीज, जो वैक्सीन पासपोर्ट बन रहा है ना, जो वैक्सीन पासपोर्ट होता है, 72 कंट्रीज को जो है उन्होंने माना है, जिसमें कि अभी कुछ कंट्रीज के मैं नाम ले रहा हूँ, तो वहाँ के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे US, UK, UAE, थाईलैंड, इंडिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कंबोडिया एंड कनाडा। इन सभी के जो यात्री हैं जो यहाँ पर वियतनाम में आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। इंडिया के भी आ सकते हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन वे फुल्ली वैक्सीन होने चाहिए, दोनों वैक्सीन उनके लगी हुई। तीसरा सवाल है कि कौन कौन से शहरों में हम जा सकते हैं घूमने के लिए। अब मैं कुछ शहरों के नाम ले रहा हूँ, ये फेमस सिटीज़ हैं जहाँ पर टूरिज्म सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पर बीचेस बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर पार्क बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े फैंसी पार्क हैं, जहाँ पर होटल्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, फाउंटेन हैं। आपको पता है कि हनोई, वो वियतनाम जो है बीचेस का देश है, यानी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बीच हैं, बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन है। तो मैं जिन शहरों के नाम ले रहा हूँ, इन शहरों में अलाउ हो चुका है कि आप जो है जा सकते हैं, लेकिन कुछ ही स्पॉट पे जा सकते हैं, यानी कि आप पूरे शहर में नहीं घूम सकते, कुछ स्पॉट जो गवर्नमेंट अलाउ करेगी वहाँ पर जा सकते हैं। उन शहरों के नाम हैं किएनगेंग, खेंगहुआ, क्वांगनम, दानंग वेरी फेमस एंड क्वांगनिन। तो ये जो शहर हैं आप इनके अंदर जा सकते हैं और जो है यहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन उससे पहले 7 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यानी किसी भी शहर में आप जाएंगे, 7 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उस क्वारंटाइन के बाद ही आप जो है अलग अलग जगहों पर जहाँ पर आपको घूमना है, जहाँ पर आपको जाना है, वहाँ आप जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या वियतनाम की फ़्लाइट महंगी है। जी हाँ भाइयों, वियतनाम की फ़्लाइट आज की डेट में बहुत महंगी है, बहुत बहुत बहुत। तो सोच समझ कर वियतनाम आए, ट्रैवलिंग करें, कुछ समय रुक जाएं, क्योंकि अभी जो है दोबारा कोविड फैल चुका है, कोविड जो है दोबारा आ चुका है। और होचिमिन में तो ये तक कहा दिया है अभी कि 50% ही लोग अंदर बैठ सकते हैं, यानी अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले तो 100% था, लेकिन अगेन उन्हें कह दिया है कि अंदर जो है 50% ही लोग बैठ सकते हैं, और रेस्टोरेंट के अंदर आपको जो है अल्कोहल नहीं दिया जाएगा, रेस्टोरेंट के अंदर अल्कोहल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये होचिमिन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कोविड फैला हुआ है, तो वहाँ पर जो है आपको जो है अल्कोहल भी नहीं दिया जाएगा, और रात के 9 बजे जो है वहाँ पर सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है। फ़्लाइट्स बहुत महंगी है, लाखों में है, यानी जिस देश की जो फ़्लाइट इंडिया से होती थी 30,000 की, 35,000 की होती थी आने जाने की, रिटर्न 30,000 में आना जाना हो जाता था, लेकिन आज की डेट में एक साइड का टिकट, अभी मेरा एक दोस्त जो है वियतनाम से वो इंडिया जा रहा है, तो वो बता रहा था उसकी फ़्लाइट जो है कम से कम वो 75,000 के करीब की बनी, मतलब यहाँ से इंडिया जाने की 23 मिलियन की बनी, मैं मिलियन को जो है रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 75,000 के करीब की फ़्लाइट है उसकी इंडिया जाने की, वापस आने की नहीं, खाली जाने की। तो हाँ, फ़्लाइट्स महंगी हैं, बहुत महंगी है, आपको वेट करना पड़ेगा। आपको वेट कब तक करना पड़ेगा, देखो अभी तो रुक जाओ, क्यों, एक तो मौसम जो है बारिशों वाला मौसम चल रहा है, आपने अभी देखा होगा मैं वीडियो में कहीं से आ रहा था, बिल्कुल जो है भैया काले बादल छाए हुए, और 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज कंटिन्यू बारिश है, बारिश रुक नहीं रही। तो ऐसे में आप कहाँ ट्रैवलिंग करोगे, कहाँ, कौन से रिजॉर्ट में जाओगे, कौन से पार्क में जाओगे घूमने के लिए। तो ये सोच समझ कर आप फैसला करें कि आपको आज अभी वियतनाम आना है
या नहीं आना है। बिजनेस, अगर आप बिजनेस के पर्पज से आओगे तो बिजनेस करने का अभी कोई फायदा नहीं है, जैसा मेरा अनुमान है, जैसा मैं देख रहा हूँ मार्केट, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट में मैंने बात करी तो सब जगह बात कर रहा हूँ, तो अभी कोई फायदा नहीं है। वे सब कह रहे हैं कस्टमर आ नहीं रहे हैं कोविड की वजह से, और कुछ पता नहीं गवर्नमेंट का कब दोबारा लॉकडाउन लगा दे, क्योंकि कोविड केस फैल चुके हैं। जॉब, अगर आप जॉब के लिए अभी आना चाहते हैं, कोई कंपनी कह रही है जॉब के लिए आ जाओ, मैं अपनी योगा के बारे में बता सकता हूँ कि अभी आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, सब कुछ खुल चुका है लेकिन जिम्स नहीं खुले हैं अभी, और जो योगा सेंटर नहीं खुले हैं अभी, ठीक है, हनोई के अंदर योगा सेंटर अभी नहीं खुले हैं, और जिन शहरों में खुल चुके हैं तो वहां पर खतरा है अभी, कब बंद हो जाए या कुछ पता नहीं, क्योंकि कोविड फिर केसेस आने लग गए दोबारा, कुछ कह नहीं सकते कि भाई कब खुलेंगे दोबारा या कब बंद हो जाए। तो अगर आप अभी वेट करना चाहें तो अभी आप इंडिया में वेट कर सकते हैं, या किसी भी देश में आप सुन रहे हो ये वीडियो, आप अभी वेट करें, कुछ समय रुक जाएं, ये नवंबर, नवंबर में आपको नवंबर में सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या आके परिस्थितियां होनी है कोविड की वजह से, कि कोविड खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है भी वैक्सीनेशन चल रहा है, और वैक्सीनेशन सभी का नहीं हुआ, सभी को डबल डोज नहीं लगी, किसी को एक लगी है, जिनको डबल डोज लगी है खाली उनके बारे में बात हो रही है, जो अलाउ करेंगे वे भी डबल डोज वालों को अलाउ करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी सूचनाएं दे दी हैं जो आज की डेट में हनोई वियतनाम में हो रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट जो नए नए रूल्स बना रही है डे पर डे, तो ये सारी की सारी सूचनाएं हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।